आरुरु रोक्षुर मुनिर जोगम कर्म कारणम उच्यते जोगारूढ़स्य तत्रैव समः कारणम उच्यते। अष्टांग योग पतंजलि में अष्टांग योग का वर्णन मिलता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। तो प्रारंभ में मन को व्यवस्थित करने के लिए और इंद्रियों को विषयों से अलग करने के लिए मुनि लोग अष्टांग योग का सहारा लेते हैं। अष्टांग योग विशेष करके मन की चंचलता को, मन की जो विचलन है सांसारिक पदार्थों में, सांसारिक वस्तुओं में, उधर से मन को हटा करके भगवान में स्थिर करना, यही अष्टांग योग का कार्य है। मन बहुत चंचल है, गीता में भी भगवान से अर्जुन कहे कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्धिणम तस्याहम निग्रहम मन ने वायोरिव सुदुष्करम। मन बहुत चंचल है, तो चंचल मन को पहले व्यवस्थित करना है। लोग ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, इसके बाद की विधि है, लेकिन प्रारंभ में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। यम पहले यम का पालन होता है। यम जैसे हम लोग चार चीज बोलते हैं कि चार नियम क्या है, चार वर्जित नियम क्या है, तो पहले हम लोग बोलते हैं मांसाहार निषेध, नशा निषेध, अनाचार निषेध, जुआ निषेध, चार निषेध है, यम में आता है। यम के श्रेणी में ये आता है चार चीज, जो शास्त्र में निषिद्ध है, मना है, जो कार्य को शास्त्र में मना किया जाता है उसको यम कहते हैं, वो निषिद्ध है। मांस खाना निषेध है, नशा करना निषेध है, जुआ खेलना निषेध है, अवैध संग निषेध है, तो यम के अंदर आता है, इसको मना किया जाता है कि नहीं करना है। और जो करना है उसको नियम में कहेंगे, जैसे 16 माला जप करना है, भगवान को भोग अर्पण करना है, प्रसाद खाना है, ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, रात को कम खाना है, रात को ज़्यादा लेट हो गया है तो नहीं खाना चाहिए, रात को अगर हम लेट खाएंगे तो फिर साधना में जो है होता है। इसलिए नियम है कि रात को योगी लोग, भक्त लोग नहीं खाते हैं, खाना है तो बहुत हल्का कुछ खा लेते हैं, तो उससे हम मन को साधना में लगा सकते हैं। यम जो वर्जित है और नियम जो पालनीय है, और आसन, यम नियम आसन, जैसे बैठ करके 2 घंटा जप करना है, कोई पद्मासन में जप करता है, कोई वज्रासन में जप करता है,
अलग अलग आसन है, तो आसन में बैठ कर से जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चल कर भी लोग जपते हैं, खड़ा आसन, खड़ा होकर भी लोग जप करते हैं। ध्रुव महाराज खड़ा होकर जप किए थे एक पैर पर, और हिरणकश्यपु जो है अंगूठे पर खड़ा होकर जप, हिरणकश्यपु जो है पैर के आगे जो अंगूठा है ना उस पर खड़ा होकर जप कर, खड़ा सन। कुछ लोग चल कर जप करते हैं, बैठ करके जप करें तो अच्छा होता है, बैठ करके आसन में, आसन ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। भक्त लोग कुश आसन में बैठते हैं, कुश आसन में या कॉटन के आसन पर, और योगी लोग निर्विशेष बाघंबर पर बैठते हैं, बाघ के चमड़े पर बैठते हैं। कोई मृग चर्म पर बैठते हैं, मृग चर्म माने हरिण के चमड़े पर बैठते हैं। बहुत योगी ब्रह्मवादी एक निर्विशेष ब्रह्मवादी होते हैं, और एक योगी होते हैं, और एक भक्त होते हैं। भक्त लोग आसन कुश आसन में बैठते हैं, चटाई में या पॉटन के आसन में। तांत्रिक लोग बाघंबर में बैठते हैं या मृग चर्म में बैठते हैं। आसन का बहुत महत्व है, जैसे खाने के लिए हम बैठते हैं आसन में, पद्मासन में या कोई सुखासन में। विद्यालय में भी बच्चे बैठते हैं, परीक्षित महाराज भी बैठकर कथा सुन रहे हैं, परीक्षित महाराज वज्रासन में कथा सुन रहे हैं, भागवत में दिया है। सुखदेव गोस्वामी पद्मासन में बैठे हैं, और परीक्षित महाराज वज्रासन में बैठकर, वज्रासन में बैठकर जब करिए सुनिए तो एकाग्रता जो है, मन की एकाग्रता बनी रहती है, उसमें नींद नहीं आएगी, और कोई चीज़ ग्रहण की क्षमता बढ़ जाती है वज्रासन में। आप लोग बैठते हैं ना वज्रासन में, कि कौन को आता है यहाँ बैठ कर बताइए, यहाँ बैठ कर बताइए। सबको दिखाई दे रहा है, ऐसे वज्रासन है, हाथ को ऐसे कर लेते हैं लोग या जब करते ऐसे कर लेते हैं, पूरा सीधा रहता है, ध्यान नासिका के अग्रभाग में होता है, मेरुदंड को इसको सीधा रखते हैं, दृष्टि को यहाँ रखते हैं, पर जप करते हैं तो माइंड कंसंट्रेशन जो है, मन की एकाग्रता जल्दी हो जाती है। आप वज्रासन में बैठकर जप करिए, बहुत अच्छा मन एकाग्र रहता है। इसको आसन बोलते हैं, यम नियम आसन। कोई खटासन पर, खटिया पर से सोकर जप करेगा तो नींद आ जाएगी, खटासन। अब कोई सोकर जप करते ज़्यादा देर है फिर नींद आ जाती है। अब सोकर लोग कथा भी सुनते हैं तो सुनते सो जाते हैं,
कथा चल रही है सो गए निद्रासन में। तो आसन को जीत करके माने आसन को के द्वारा मन को एकाग्र कर लेता है, जप करता है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में भक्त लोग जब बैठकर जप करते हैं तो कोई वज्रासन में, कोई पद्मासन में, कोई नहीं रहता तो खड़ा होकर भी जप करते, खड़ा होकर उस पर भी, तो फिर चल करके जप करते। तो सबसे अच्छा जो है बैठ करके, और ज़्यादा नींद रहे तो खड़ा हो जाइए, खड़े पर भी अगर आलस है तो थोड़ा घूम कर परिक्रमा करके कर लीजिए। कोई लोग मंदिर का परिक्रमा करते, कोई लोग तुलसी की परिक्रमा करते, यम नियम आसन प्राणायाम। कुछ लोग प्राण वायु को केंद्रित करते हैं, जैसे ध्रुव महाराज प्राण वायु को रोक लिए, श्वास को रोक लेते हैं ना प्राणायाम के द्वारा। तो बहुत से योगी लोग प्राण वायु को ऊपर ले आते हैं, यहाँ गुदा चक्र से लिंग चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, ग्रीवा चक्र, भू चक्र, ब्रह्मरंध्र, प्राण वायु को रोक लेते हैं। कोई कोई लोग कई दिन तक प्राण वायु, जैसे ध्रुव महाराज एक महीने श्वास को रोक लिए थे। प्रत्याहार, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, मैं ज़्यादा नहीं खाना, मैंने प्राणायाम कर लिए और बाद में खूब खा लिए। यम नियम आसन प्राणायाम, कुछ लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं और खाते भी खूब हैं, खूब खाएंगे तो कहाँ से होगा। खाना भी है जितना आवश्यक है, अत्याहार नहीं करना है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह, भक्ति में बाधा है। ज़्यादा खाना थोड़ा कम खाना चाहिए, और जो लोग ज़्यादा खाते हैं तो बाधा, भक्ति में बाधा उत्पन्न करते। अत्याहार नहीं करना चाहिए, अत्यधिक नहीं खाना चाहिए, और ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बहुत परिश्रम करते हैं दिन रात कुछ पैसे कमाने के लिए, चाहे कोई कार्य दिन रात का, तो दिन रात काम करेगा तो नहीं होगा, इतना जरूरी है 8 घंटा 10 घंटा, जब बैंक में 11 घंटा काम किए, जहाँ हम लोग गए थे ना तो बोले कि 11 घंटा बैंक में वर्क करते हैं, फिर थोड़ा आराम चाहिए, खाने पीने सोना। और कुछ लोग ओवर टाइम काम करते हैं, जैसे वॉचमैन लोगों को मैं देखा डबल ड्यूटी कर लेते हैं 16 घंटा, पैसे के लोभ में वो 24 घंटा भी। तो ज़्यादा को परिश्रम भी जितना जरूरी है 8 घंटा 10 घंटा कर लिए, फिर थोड़ा आराम से। प्रजल्प, अनावश्यक बात करना भी प्रजल्प, जितना आवश्यक है उतना बोलना चाहिए, नहीं तो मौन रहना चाहिए। जब करना कुछ कथा करना, मुंह में उंगली नहीं डालना चाहिए, नाखून नहीं लगाना चाहिए मुंह में,
नाखून से बहुत बीमारी होती है, बहुत लोग नाखून दांत से काटते नहीं, काटने से नेल कटर रखिए, नाखून में वायरस रहते हैं बहुत सारे, तो नाखून को नेल कटर से काटिए घर पर, है ना, ठीक है ना, हाथ जूठा हो जाता है। स्वच्छ रहना ये भी ये है, तो मुंह में हाथ डालेंगे तो पता नहीं कौन सा वायरस जाएगा अंदर। तो प्रजल्प नियमाग्रह, जो नियम है कि मांसाहार नहीं करना है, नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, लहसुन प्याज चाय कॉफ़ी नहीं पीना है, तो इसको पालन करना चाहिए, नियम नियम पालन करें। ऐसा नहीं कि कोई नहीं है तो चलो चाय पी लेते हैं, कहीं पार्टी में गए तो लहसुन प्याज वाला भी, ऐसा नहीं करें। हम कहीं भी जाएंगे बोले भाई हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, चाय कॉफ़ी नहीं पीते हैं, कहीं पार्टी में जाइए चाहे बारात में जाइए चाहे कहीं भी या चाहे किसी घर में जाए बोले कि हम नहीं खाते हैं, फल खा लीजिए, चाय है तो भाई हम चाय नहीं पीते हैं, नियम नियम में अपने होना चाहिए, नियम में हमें पक्का होना चाहिए। अने बोले चलो कोई बोले एक दिन खा लीजिए प्रभु जी, क्या ठीक है लाइए, नहीं खाए ऐसे कहेंगे तो कोई बोलेगा प्रभु जी वहाँ खाए थे तो अभी क्यों नहीं खा रहे हैं, उनके यहाँ तो अब चाय पी रहे थे, हमारे यहाँ भी पी लीजिए। तो हमें नियम को नियमाग्रही, जो नियम है उसको पालन करें। जनसंगश्च, और ऐसे लोगों के संग में नहीं रहना है जो जुआरी हैं, शराबी हैं, लबारी हैं, ऐसे संग नहीं करें। भौतिकतावादी लोगों के साथ में अगर रहेंगे उनके यहाँ खाना भी नहीं चाहिए, अगर पॉकेटमार है, डाकू है, चोर है, शराबी है तो उसके यहाँ नहीं खाना चाहिए। कोई शराब पीता है, मांसाहारी है, व्यभिचारी है तो उसके हाथ से खाएंगे तो जैसा अन्न वैसा मन, विषयी रे अन्न खैले दुष्ट हिले मन। तो रोड पर दुकानें हैं पाव भाजी, चना बटोरा, इडली डोसा, पिज्जा हट, तो बाहर रोड पर भी होता है ना, तो वहाँ खाएंगे तो फिर मन हमारा बिगड़ सकता है। विषयी कान खाने से मन मलिन हो जाता है, विषयी रेन खैले दुष्ट हिले मन, आ दुष्ट हिले मन नाही कृष्ण स्मरण। जिसका जैसा अन्न है, अगर चोर का अन्न खाएंगे तो मन वैसा हो सकता है। एक बार वृंदावन में बहुत भंडारा हुआ था हर मंदिरों में, तो भंडारे में रूप गोस्वामी भी गए थे, तो हम भंडारे मंदिर में भंडारा था, तो भंडारा खाने के बाद उनका मन विचलित होने लगा, मन में भौतिक विचार आने लगे, तो अपने भाई सनातन गोस्वामी से कहे कि मेरा जो चिंतन है वो अभी नहीं हो रहा है, मन में गलत बातें आ रही हैं। वो लोग लीला का चिंतन करते थे, अष्टकालीन भगवान के अष्टकालीन लीलाओं का चिंतन करते थे वो लोग। तो बोले कहाँ खाया था, तो भंडारे में खाया था। तो कहे कि पता लगाओ भंडारा कौन दिया है, तो पता लगाए कि भंडारा देने वाला तो कलकत्ता की एक वेश्या भंडारा दी थी,
कलकत्ता की एक प्रसिद्ध वेश्या जो है वृंदावन के हर मंदिरों में भंडारा कराई थी, हर मंदिरों में। तो इसके बाद जो है तब ये हो गया कि अन्न जिसका जिसका अन्न है वैसा उसमें उसका वासना आता है, इसलिए दुष्ट या विषयी आदमी का अन्न खाता है तो मन प्रभावित होता है। तो नियमाग्र नियम में रहना चाहिए। तो अष्टांग योग में मन को व्यवस्थित करने के लिए भगवान के भक्ति में ये नियम दिया गया, अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। ध्यान में भगवान को धारण करना है, जैसे ध्यान में भगवान के रूप को धारण करना है, भगवान के छवि को मन में धारण करना, समाधि होना। योगी लोग मन को समाधि में लगा देते हैं, जप करना भी समाधि है, जप को सुनना और मन को लगाना ये भी समाधि है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम जब सुनते हैं शब्द को हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम राम, इसको सुन करके जप करेंगे तो ये भी समाधि है। तो इससे मन को हम अष्टांग योग के द्वारा मन को भगवान में लगा सकते हैं। तो यम मतलब जो वर्जन है, जो निषेध है, जो पालनीय है, कुछ करना है कुछ नहीं करना है, कुछ कार्य हमें करना है कुछ कार्य वर्जित ये काम नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, किसी को धोखा नहीं देना है, छल प्रपंच से दूर रहना है, मांस नहीं खाना है। मांसाहार में लहसुन प्याज भी आ जाता है। नशा नहीं करना है, नशा में शराब है, बीड़ी है, तंबाकू है, गांजा है, भांग है, चाय कॉफी भी, और जुआ ताश शतरंज खेलना है, ये सब को वर्जित किया गया है कि वर्जन करना है। तो यहाँ पर अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। जो अष्टांग योग के जो नए साधक होते हैं उनके लिए कर्म साधना कहलाता है, कर्म को साधना है, कर्म के द्वारा हमें भगवान को आना। जैसे कर्म भक्त लोग भी कर्म करते हैं, कृष्ण भावना भावित कर्म करते हैं, से कोई गाना है तो भगवान के विषय में गाता है, कोई बहुत अच्छा कुक है तो भगवान के लिए कुकिंग करता है, कोई बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है तो मंदिर का डिजाइन करता है, कोई पेंटर है तो भगवान के लिए पेंटिंग बनाता है, भगवान के लिए भी पेंटिंग बनाता है तो उसका बहुत चलता है, कोई मंदिर का बहुत अच्छा डिजाइन करता है तो उसको भी बहुत नाम होता है। तो इस्कॉन में प्रभुपाद जी के शिष्य थे सुरभि महाराज, वो वृंदावन दिल्ली वृंदावन मुंबई मायापुर मंदिरों का वो आर्किटेक्टर थे। अपने क्रियाओं को जोड़ देना, गाना है तो लोग भक्ति गाते हैं, गाने वाले जो होते हैं वो भगवान के विषय में गाते हैं। जैसे हैरिसन जॉर्ज हैरिसन जॉर्ज हैरिसन बहुत बड़ा सिंगर थे। रूपा जी कहे कि हरे कृष्ण धुन गाओ तो उनका हरे कृष्ण धुन बड़ा वेस्टर्न कंट्री में
बहुत पॉपुलर हुआ था, जॉर्ज हैरिसन। प्रभुपाद कि तुम हरिसन हो, जॉर्ज हैरिसन नाम था, बोला हरिसन तुम हरि के सन हो। तो हम जो भी कार्य में दक्ष हैं उसको भगवन भगवत भाव में अगर नियुक्त कर देते हैं तो वही कार्य हमारे मुक्ति के लिए सहायक बन जाता है, वही भक्ति हो जाता है। कर्म को भगवान से जोड़ दे, कर्म योग। हम अपने कार्य को भगवान में नियुक्त करती है। कोई बहुत अच्छा मतलब विद्वान है तो शास्त्र का, गीता भागवत का अनुशीलन करता है तो भी प्रसिद्ध हो जाता है, है कि नहीं? कोई बहुत अच्छा नृत्य करता है जैसे हेमा मालिनी, तो भगवान के लिए नृत्य कर रहा है। राधा कृष्ण बैलेट, मीरा बैलेट, वृंदावन में हेमा मालिनी का प्रोग्राम था ओपनिंग में, तो बता रही थी कि हमने सोचा कि राधा कृष्ण के ऊपर नृत्य करना है, तो राधा कृष्ण बैलेट उन्होंने किया है, राधा कृष्ण मीरा बैलेट किया, मीरा के ऊपर नृत्य किया है, मीरा बाई के जैसे अभिनय किया है। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। तो जितने भी योग हैं, अष्टांश भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, भगवान से जुड़ने के लिए है। योग मतलब जुड़ना, जैसे दो दो जोड़ देंगे तो चार हो जाता है। जीव जब भगवान से युक्त हो जाता है तो शाश्वत हो जाता है, भगवान से युक्त होना, इसी को योग कहते हैं। तो अष्टांग योग के द्वारा हम मन को भगवान में लगाते हैं, मन के गति को, उसके संचलन को, उसकी चंचलता को हम भगवान में केंद्रित करते हैं अष्टांग योग के द्वारा। तब फिर ध्यान योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और फिर भक्ति योग में इसे जाते हैं। अष्टांग योग के द्वारा भी भक्ति योग ही ग्राह्य है, कर्म योग के द्वारा भी भक्ति योग को ही प्राप्त करना है। कर्म योग और भक्ति योग में अंतर नहीं है, कहीं है। कोई कर्मों के द्वारा भगवान से जुड़ता है, कोई कर्मों का त्याग कर देता है। जो नव साधक हैं उनके लिए कर्म साधन कहलाता है, कर्म साधन है, और साध्य क्या है? भगवान की भक्ति। साधन कर्म है और साध्य भगवान साध्य है, इनको भगवान की भक्ति को साधना है। जैसे मुंबई जाने के लिए साधन क्या है? ट्रेन है, बस है, प्लेन है, जल्दी जाना है तो प्लेन से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। तो जल्दी जाने के लिए भक्ति योग है, ध्यान योग के द्वारा भी, लेकिन उसमें बहुत समय लगता है, कर्म योग भी देर लगता है। से ध्यान योग अच्छा लिखा गया कि कर्मकांड, कर्मकांड के द्वारा भी भगवान को ही ये किया जाता है, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगता है, उसमें ज़्यादा फंसने का चांस होता है। कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड,
इसलिए भक्ति योग या कर्म योग भगवान में अपने को जोड़ देना। योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। जो योग सिद्ध है, अष्टांग योग में जो सिद्धि प्राप्त कर लिया है, वो व्यक्ति के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। जितने भौतिक कार्यकलाप हैं संसारी का, उसको त्याग देता है, भौतिक कार्यकलाप त्याग कर देता है और भगवान की भक्ति में लग जाता है। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिसे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। सीढ़ी की तरह है, अष्टांग योग प्रारंभिक सीढ़ी है, धीरे धीरे जाते ऊपर जाते सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर के, यह सीढ़ी जो है अधम अवस्था से, निम्न अवस्था से ऊपर जाती है, धीरे धीरे ऊपर उठता है। और सर्वोच्च अवस्था क्या है? भक्ति योग है। वो भक्तिमय सेवा में, भक्ति में काम करता है, भौतिक कार्यों को भगवान में अर्पित कर देता है। जैसे खाना है तो कोई गलत चीज़ खाता है, भक्त भगवान को प्रसाद खाता है। संसारी लोग खाते हैं लेकिन हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, खाना वो भी खाते हैं, भक्त प्रसाद खाते हैं। तो प्रसाद खाना एक भक्ति है। पता नहीं कि सही अनमृत पावो, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमे डाको श्री चैतन्य नीताई। इंद्रियों को वश में करना है तो प्रसाद खाना चाहिए, जिह्वा को वश में करना है तो प्रसाद खाना है या नाम जप करना है, दो काम करना है। क्या है दो काम? सही अनमृत पाओ और राधा कृष्ण गुण गाओ। आप लोग सुन रहे हैं, तार मध्य जिह्वा यति लोभमय सुदुर्मति। हम लोग कहते हैं जिह्वा बीच में है, कान है, नाक है, आँख है, ये सबके बीच में जिह्वा है। तार मध्य जिह्वा यति लोभमय सुदुर्मति। ये जिह्वा बहुत लालची है, लोभी है, खाने के लिए इधर उधर भागती। सुदुर्मति, कोई बोला 50 किलोमीटर बहुत पिज्ज़ा हट में बहुत अच्छा पिज्ज़ा मिलता है तो लोग जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, वो होटल में बहुत अच्छा मिलता है तो खाने के लिए लोग इधर उधर दूर दूर तक जाते हैं, प्लेन से भी जाते हैं। तो तार मध्य जिह्वा यति लोभमय, बहुत लोभी है आ दुष्टमति है। ताके जेता कठिन संसारे, इसको जीतना बड़ा कठिन है संसार में, संसार में जिह्वा को जीतना बड़ा कठिन है। जीभ से ही खुराफात होता है, किसी को गाली दे दिया, किसी को डांट दिया, किसी को गलत बोल दिया। जीभ का दो काम है और चीज़ का एक है। आँख का एक काम है देखना, नाक का सूंघना, कान का सुनना, लेकिन जिह्वा का दो काम है, खाना और बोलना। तो जिह्वा को वश में करना बड़ा कठिन है। लोहमय सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे, जेता मने जीतना, इस संसार में जिह्वा को जीतना बड़ा कठिन है। तो कैसे जीतेंगे? सही अनमृत पाओ और राधा कृष्ण गुण गाओ, भगवान का प्रसाद खाइए भोग लगाकर और जप करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।
सही अन्न अमृता पाओ, मतलब भगवत प्रसाद और भगवान नाम जप करना, तो जिह्वा को हम बस में कर सकते हैं। और जो जिह्वा को बस में कर लेता है तो और इंद्रियों को बस में आसानी से कर लेता है। जिह्वा है, उदर है, जननेन्द्रिय है, समानांतर में है, तो जो जीभ का गुलाम हो जाता है, पेट परायण हो जाता है, तो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। जिह्वा रे लालच बस इत उत धाय, शिष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए, वो कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकता है। जिह्वा रे लालच बस इत उत धाय, मान इधर उधर दौड़ता है खाने के लिए, जिह्वा को ये करने के लिए। तो शिष्ण उदर, उदर और जननेन्द्रियों को तुष्ट करता है, पुष्ट करता है, तो उदर परायण व्यक्ति, शिष्ण उदर परायण व्यक्ति कृष्ण परायण नहीं हो सकता है। इसलिए समय का हार कितना खाना, दो बार खा लीजिए, और रात को ज़्यादा खाएंगे तो नहीं ना आलस ना आएगा, कैसे ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे। रात को कम खाइए और ब्रह्म मुहूर्त में जग करके भजन की, हो सके तो रात को मत खाइए, सूर्यास्त से पहले खा लीजिए। रात को थोड़ा दूध ले लीजिए। हम लोग के आश्रमों में है ना, सुबह 9:30 बजे फिर 4 से 6 बजे के बीच में प्रसाद लेते हैं, 4:15 से 6:15 बजे तक प्रसाद चलता है, और रात को 1 गिलास दूध 8:30 बजे, तो आप आराम से 3:30 बजे जग जाएंगे। और रात को खाएंगे ज़्यादा 10 बजे 11 बजे पिज्ज़ा पास्ता, नरक रास्ता महाराज को पिज्ज़ा पास्ता बहुत गरिष्ठ होता है, भारी होता है, आपको चावल दाल सब्जी रोटी खा लीजिए हल्का फुल्का, ज़्यादा लेट मत खाइए, बहुत हो तो 8 बजे तक खा लीजिए, और ना ही तो हो सके तो सूर्यास्त से पहले खा लीजिए, तो आपका शरीर अच्छा रहेगा। महाराज बता रहे थे कि ज़्यादा लोग खा करके मर रहे हैं, ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं खा खा करके, बिना नियम कभी खा लेना, कभी खाने का कुछ नियम जो है होना चाहिए। तो हमें अष्टांग योग में खाने का भी प्रत्याहार, मैंने अपने आहार को नियमित करना चाहिए कि 2 बार खा लिए, वो भी ज़्यादा नहीं, चपंत भोजन चाप करें यहाँ तक खा लें कहाँ होगा, चपंत भोजन चपंत पानी अखंड निद्रा। अब सो गए तो अखंड नहीं, अब टूटेगा ही नहीं बीच में, कब टूटेगा तो सूर्यास्त के बाद, सूर्योदय के बाद। तो ये सब हमको रेगुलेशन सिखाता है, कैसे रेगुलेट करना है हमको खाने का, कैसे अपने जीवन में, कैसे उसको साधना में, खाना ही साधना हो जाएगा। हम जो खाते हैं प्रसाद खाएंगे तो वही भक्ति हो जाएगा, प्रसाद खाएंगे तो सही अनमृत पाओ राधा कृष्ण, प्रसाद खाइए भगवान का नाम लीजिए, तो यही ना भक्ति है। प्रभुपाद जी बोले चैंटिंग डांसिंग फीस्टिंग, जपो जप करो नाचो गाओ और खाओ प्रसाद खाओ, चैंटिंग मतलब भगवान का कीर्तन करो जप करो और नाचो कीर्तन में और प्रसाद खाओ, चैंटिंग डांसिंग एंड फीस्टिंग या एकादशी को फास्टिंग, एकादशी को फास्टिंग फास्ट करना है, यही अष्टांग जो कहते हैं कि हमको अपने को कैसे करना है, रेगुलेशन में करना है। जो हमारी दिनचर्या बिगड़ गई है, सोने का खाने का समय
उसको निर्धारित करना है, इतने बजे खाना, इतने बजे सोना, इतने बजे जगना है। यही अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा तब समाधि। भक्ति की सर्वोच्च अवस्था वो समाधि है। भक्त जब भक्ति में हो जाता है तो स्वयं में भी उसका वो जप करता है, स्वयं में भी भगवान का चिंतन करता है। जब उसे वो इसी अवस्था में हमेशा भगवान में मन लगा रहता है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की।